नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको ये हैंड एम्ब्रॉयडरी का जो है नमूना दिखाया था। इसमें मैंने दो चेन स्टिच और साथ में लेजी डेजी स्टिच का प्रयोग करके एक छोटा सा फ्री हैंड डिज़ाइन ड्रॉ किया था। तो आप इसी फ्री हैंड डिज़ाइन को अपने तरीके से, अपने किसी भी फ्री हैंड कोई भी मोटिव कैसे, कहाँ और दूसरी जगह भी यूज़ करना चाहे वो कैसे करेंगे, मैं आज आपको इन दोनों स्टिच के बारे में आपको सिखाती हूँ। इसके लिए हमें जो सामान की आवश्यकता होगी, उसमें जो भी हमको कपड़ा चाहिए जिस पर हमको करना है वो कपड़ा, ये मैंने एक रुमाल लिया है। इसके बाद एंकर के धागे, ये एंकर के कॉटन थ्रेड हैं, ये कपड़ा, ये मैंने एक रुमाल लिया है। इसके बाद एंकर के धागे, ये एंकर के कॉटन थ्रेड हैं, ये जो है शेडेड हैं और ये विदाउट शेडेड, तो ये आपको बहुत आसानी से किसी भी जनरल स्टोर पे मिल जाएंगे। एक पेंसिल, और चूँकि ये फ्री हैंड है तो कोई आपको न जो है कोई ड्राफ्ट तो चाहिए नहीं, पेंसिल और इसके साथ हमको एक स्केल लगेगा। यहाँ पर मैं इसके कॉर्नर पर कर रही हूँ और इसको एक ठीक से बेस देने के लिए, चूँकि हम हैंड एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो जिसमें ये कि रिंग जो होती है वुडन रिंग, ये आपको आवश्यक होती है। ये प्लास्टिक बेस पे भी मिलती है, हर तरह से मिलती है। आप जब हैंड एम्ब्रॉयडरी का सामान मांगोगे तो आपको सारे अवेलेबल करेगा। और हाँ, इसके अलावा सुई तो सबसे ज़रूरी है, जो कि आपको सुई की सहायता से ही सारा काम करना है। तो इसके लिए आपको जो है, तो ये इस तरह से मैं पोनी की सुई, इसमें हर साइज़ की होती है। यदि आपका कपड़ा जो है मोटा है, ठीक है, तो ये आपको बड़ी सुई लगती है, और यदि आपका कपड़ा जो है बारीक है तो ये छोटी सुई लगती है। तो इस तरह से भी आप ला सकते हैं, जो भी आपके घर में सुई हो वो भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सा ड्रा कर लेंगे। एक सिंपल ड्रा है ये, यहाँ पर हम एक छोटा सा डिज़ाइन बना लेंगे। ठीक ऐसे ही दूसरे में, और ये तीसरा। अगर आपको फ्लावर पसंद है तो ये छोटे छोटे फ्लावर इस तरह से, इस तरह से आप बना लीजिए। इसके बाद आप सबसे पहले, चूंकि इसका स्टेम बनाना है तो हम ग्रीन कलर लेते हैं। आप वुडन कलर भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये चेन स्टिच कहलाती है। आपने सुई में धागा डाला, ये दो तार लिए मैंने और इस तरह से
इसको थोड़ा ढीला रखना है, लूज। चेन स्टिच के बाद मैं आपको इसी से डेजी टांका बता रही हूँ जी। इस तरह से होता है, इसमें लूप बढ़ा लेना है। जहाँ धागा ख़त्म हो जाता है वहाँ पर इसको पीछे की तरफ से इस तरह से इसको पैकअप कर देंगे। सिंपल सा बगैर कपड़े में छेद किए किसी भी थ्रेड से सुई निकाली और एक लूप बनाया और इसको ऐसे खींच दिए। ये लेजी डेजी स्टिच है, इसे फ्लावर बना रहे हैं हम।
एक बार इधर से और एक बार इधर से कर लिया। फिर इसको लग रहा है कि यहाँ पर धागा पीछे से खींचना पड़ेगा और एक पत्ती और लग रहा है यहाँ पर, तो खाली लग रहा है। फ्री हैंड है ना ये?